आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हुआ यूं कि मुझे किसी चीज को मेजर करना है। अगर जब मुझे कोई भी किसी को भी कोई चीज मेजर करना रहता है, हमको क्या चाहिए, उसके रेफरेंस पॉइंट चाहिए या रेफरेंस कोई चीज चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे 1 केजी चीनी चाहिए तो क्या वो कैसे देता है, देखिएगा। उसके पास एक वेट ट्रक करने वाला जो है लोहे का बना होता है इक्विपमेंट, उसको रखता है, बदले में हमें जो है उसकी जगह पे 1 केजी चीनी दे देता है। ठीक है, अब देखना वो हाथ से नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि अगर हाथ से देगा तो क्या करेगा, देखे ना दुकानदार देने के लिए क्या करेगा, छोटे वाले आदमी को रख लेगा, और जब लेना रहेगा तो बड़ा सा आदमी को रख लेगा, जैसे पहले के लोग करते थे। जब कभी कोई चीज अगर जैसे कि मेरे को याद है, जैसे सपोज करो कि खेत जब लेना रहता था तो उस समय जो ना जो सबसे लंबा गांव का आदमी होता था तो उसको खिला पिला के लेके जाया जाता था कि भाई तू ना अपना अपने हाथों से, पुराने जमाने की कहानी है। आप कभी देखना उस समय जो ऐसे मेजर किया जाता था, और जब देने वक्त रहता था अपने गाँव का छोटे आदमी को लेके जो है मेजर किया था। तो इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा था, अनसिमिलरिटी आ रही थी। तो उसी तरीके से हमें भी किसी बैटरी के पोटेंशियल को मेजर करना है, यानी कि अगर जब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर जब मेजर करना है, सॉरी किसी इसके तो रेफरेंस चाहिए, तो हमने कहा कि भाई इसको रेफरेंस बना दो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या कर लेंगे, रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। इसको ना हम लोग सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, सी, क्योंकि स्टैंडर्ड एस हो गया, हाइड्रोजन एच हो गया, और इलेक्ट्रोड से ई हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसकी कुछ पॉइंट समझाता हूँ। देखो मैंने एक बच्चे से पूछा तुम सी को जानते हो क्या, उसने कहा नहीं सर मैं नहीं जानता। तो उसने नहीं कहा तो मैंने कहा इट इज नोन एज, नहीं इट इज नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन, नहीं के नाम से भी आप कह सकते हो। फिर मैंने पूछा कि इसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसने कहा कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसके अंदर फिल किया जाता है, इसको इट इज आल्सो नोन एज आयन गैस या गैस आयन इलेक्ट्रोड। भी आपको आगे बताऊंगा कैसे गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, ये सारी कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सी इज यूज फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। विच इज सेट बाय IUPAC। ये जो है ना, अगर से हम लोग बनाते तो नहीं मानते, लेकिन IUPAC ने इसको क्या करा, इसको जो है कहा कि नहीं इसको आप क्या करो, रेफरेंस पॉइंट मानो। जैसे आजकल भले आपको लगता होगा कि जो जो तराजू में जो वेट करने वाला जो लोहे का बना होता है वो इतना आसान नहीं है, भले हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, किसी को 2 ग्राम कम मिले या 4 ग्राम हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि वो स्टैंडर्ड पैमाने को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उस पर जो है केस कर सकते हो। तो उसी खैर हम लोग छोटी सी, अब कहोगे सर 10 रुपए की सब्जी के लिए हम लोग क्या केस करने जाएंगे, पुलिस वाला उससे ज्यादा परेशान करेगा, हम आम आदमी वाले हैं तो इसीलिए हम लोग जो है नहीं जाते। लेकिन अगर जो अपने रूल के अनुसार से मेजर करेंगे तो वो काफी ज्यादा जो है क्राइम है। सी इज यूज फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज सेट बाय IUPAC, यानी कि IUPAC ने कहा कि आप इसको रेफरेंस मानो। उसी तरह से जैसे कि आजकल वेट के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, केजी वाले को जो है रेफरेंस मानते हैं और उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि वेट करके दे देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ। इसकी सबसे अच्छी बात यही है
कि इसको ना आप एनोड हाफ के रूप में भी यूज कर सकते हो, कैथोड हाफ के रूप में। बाकी अभी मतलब जितने भी थे उनको हम एक ही हाफ के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों हाफ के रूप में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इज जीरो। हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन अगर स्टैंडर्ड हो, ध्यान रखना हम सारी बातें किस पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर 25 डिग्री हो, प्रेशर 1 atm हो, कंसंट्रेशन क्या हो 1 molar हो। अगर इन कंडीशन पे अगर ये हो रहा है तो इसकी वैल्यू जो ऑक्सीडेशन हाफ की वैल्यू जो लोगे और रिडक्शन हाफ की जो वैल्यू लोगे वो क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे। सॉरी मीटर नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं कि कैसे ये बनता है। मैं इसलिए ऐसा बनाता हूं आपके सामने में ताकि कि आपको ज्यादा रियलाइज हो, नहीं तो मैं बना के भी ला सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो है ज्यादा चीजें जो है सीखने के लिए मिले, इसीलिए ऐसा मैं करता हूं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आपके सामने बनती है तो चीजें आपको याद रहती है। ओके, हमने यहां पर क्या करा कि एक प्लेटिनम की वायर लिया, ठीक है, उसको हमने क्या करा, इसको ग्लास से कवर कर दिया। और इसको मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कि बताओ इसका जो है, आपको कहेगा कंस्ट्रक्शन करके जो है एक्सप्लेन कीजिए सी को, तो आप लोग जो है ऐसे पहले बनाइएगा और जो पॉइंट मैंने बताया उसको आप लोग जो है लिख दीजिएगा एग्जाम में। ओके ठीक है, मेन पार्ट बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ऊपर तलक ले जाते हैं ताकि कि आपको कनेक्ट करना रहेगा दूसरे से। इसके अंदर मैंने क्या करा कि HCl भर दिया, अपनी NCERT में दूसरा डायग्राम दिया हुआ है लेकिन मैं आपको ये वाला डायग्राम सिखा रहा हूं। अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये जो है क्या है, HCl है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 molar है, और ये जो है यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम वायर है। ओके, ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। अब ये जो है ना क्या है, ब्लैक प्लेटिनम फॉइल है। क्यों होता है ऐसा मैं बताऊंगा, क्यों ब्लैक प्लेटिनम के यूज करते हैं, ब्लैक प्लेटिनम फॉइल। ओके ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास, ये यहां से कवर होता है और ये यहां से कवर होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इसके अंदर जो है लिक्विड जो है जा सके। यहां से हम लोग क्या करते हैं, H2 को पास कराते हैं, और ये जो प्रेशर है ना वो कितना लेते हैं, 1 atm लेते हैं, और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन लेते हैं। यहाँ तक बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आपको ये तो समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं, ताकि कि किसी की भी हम लोग क्या कर सके, वैल्यू को पता कर सके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बातें हमें जो है सीख ली। अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूं कि
सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग H2 गैस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको नाम भी बताया, इसको आयन गैस इलेक्ट्रॉन मेथड भी इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि गैस का रूप में आयन के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है सर, मुझे ये तो समझ में आ गया, हम प्लेटिनम वायर का क्यों यूज करते हैं, इतना महंगा वायर क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे पास देखो सर इससे अच्छा है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसका भी यूज कर। यहाँ पे प्लेटिनम वायर जो होता है ना वो इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन में वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट वैल्यू आएगी। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं कोई खेल खिला रहा हूँ और उसमें जो है जो खिलाने वाला होता है रेफरी, वो अगर जो पार्शियलिटी कर लेगा तो खेल उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उसी तरीके से अगर ये रिएक्ट कर जाता सॉल्यूशन से या इनसे, तो जिस कारण से वो परफेक्ट बैटरी नहीं बन पाएगी, इसीलिए हम लोग कैसा यूज करते हैं यहाँ पे जो है इनर्ट प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं। अब दूसरा आपके मन में आ रहा होगा सर ब्लैक प्लेटिनम फॉइल क्या होता है। सर प्लेटिनम फॉइल तो हम समझते हैं कि जो किसी भी, आप लोगों ने जैसे सिल्वर फॉइल होगा, एल्युमिनियम घर में जो है रोटी पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, ये ब्लैक प्लेटिनम फॉइल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना ब्लैक कलर की कोटिंग कर दिया जाता है, इससे क्या होता है ना हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो जिस कारण से हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं ब्लैक प्लेटिनम फॉइल का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो कैसा लिया है, HCl लिया। अब देखो होता क्या है कि आप देखना, मैं यहाँ पे इधर एक एनोड बना देता हूँ ऑक्सीडेशन के लिए, मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ एक साइड, और एक साइड जो है इधर साइड ऑक्सीजन, इधर साइड ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, और इधर साइड में क्या लिखता हूँ रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से होता क्या है कि H2 गैस को हमने यहां से क्या करा, पास कराया, यहां से हमने H2 गैस को पास कराया। अब जैसे ही होगा तो ये H2 यहां पे आएगा, ये H2 मॉलिक्यूल से समझना, ठीक है, और जैसे यहां पे आएगा सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा कैसे, आपने H2 गैस को पास कराया इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है H+ के फॉर्म में टूट जाता है, उसको मैं बैलेंस करूंगा, साथ में इलेक्ट्रॉन टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो है, तुमने यहाँ पे भी कितना कर दे दो, और यहाँ पे कितना कर दे दो। अब देखो ये क्या हो रहा है कि आपका जीरो से प्लस टू जा रहा है, यानी किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन। यानी कि H2 जब हो रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा जब जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड। यानी कि ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, आपको भूल गए होगा तो याद रखना लॉन, यानी कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और उसको हम लोग एनोड कहते हैं, उस पे चार्ज कैसा आता है, निगेटिव आता है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये जैसे H2 यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है कि H+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये प्लेटिनम वायर ले लेता है और इसके अंदर जो है यानी कि क्या करने लगता है, धीरे 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 इस पे जो है एब्जॉर्ब होने लगता है, ये जमा होने लगता है। अब जब ये एब्जॉर्ब होने लगा तो जिस कारण से देखना यहाँ पे हम लोग जैसे ही मेजर करेंगे तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और इसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पे आपका क्या हो जाता है, यानी कि एक पोटेंशियल जनरेट होता है। दूसरा केस देखिए रिडक्शन में कैसे होता है कि सॉल्यूशन के अंदर HCl है तो ये किस में टूट रहा होगा, H+ और Cl- में, बोलिए इसमें टूट रहा होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। Yes, अब देखो ये H+ हाँ बोलिए H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके ये कहाँ बन जाएगा, H बन जाएगा। क्यों कैसे कहोगे, कहाँ से लेगा सर, ये H+ इसके अंदर जाएगा और इलेक्ट्रोड के पास क्या है, यानी कि इस पे निगेटिव चार्ज है। कहोगे सर ये तो निगेटिव आप पुराना वाला दिखा रहे हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है H2 का दिखा रहे हो। एक्चुअली क्या होता है कि ये ना किसी से कनेक्ट होता है, सीधे सीधे तो हम मेजर नहीं करते क्योंकि अभी समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, या फिर ये क्या करेगा, अगर ऐसे रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम केस में आ जाएगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको दूसरे टर्मिनल के साथ किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे या दूसरे हाफ तक नहीं करोगे, वहां से ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको दे देगा और यहाँ पे H+ H बन जाएगा।
अब ये दूसरा एच एच आपस में मिलके क्या बन जाएगा, एच टू बन जाएगा। तो मैं इसी चीज को एक ही में दिखा देता हूं, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एच टू गैस बन जाता है। और ये क्या वहां पे हो रहा है, रिडक्शन हाफ पे हो रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्क क्या होता है कि किसी बैटरी को बताना कि कितना जो है वो बैटरी पावरफुल है या नहीं है। जैसे हम लोग बैटरी खरीदते हैं, जैसे आप लोग पेंसिल वाली बैटरी खरीदते होंगे, या जो है एक कौन सी बैटरी आती है, वोल्ट वाली बैटरी आती है, छोटी सी रहती है, 9 वोल्ट की होती है, 6 वोल्ट की होती है, छोटी सी होती है, ब्लू कलर की, आप लोगों ने शायद कार में जो है गेम वाले में यूज करते हैं। तो वो कैसे मेजर करते हैं, तो वो सारे जो मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मेजर के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ में लिखता हूं पहले, ऑक्सीडेशन हाफ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि H2 किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 2H+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कुछ। अब इसी चीज को हमने ऑक्सीडेशन कह दिया, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एनोड पे, यानी कि क्या है एनोड का, अगर मैं लिखूं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड, क्योंकि ये एनोड पे हो रहा है इसीलिए हमने उसका क्या नाम दे दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड। हो क्या रहा है कि प्लेटिनम H2 ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2H+ एक्वस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अगर जब प्रेशर दिया रहेगा तो प्रेशर को भी कंसंट्रेशन के टर्म में यूज कर सकते हो। सिमिलरली मुझे बताइए यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ पे, रिडक्शन हाफ पे क्या हो रहा है कि H+ 1 इलेक्ट्रॉन पहले लेता है और वो क्या बना देता है, H, और दूसरा H आपस में मिलके क्या बना देते हैं, H2 का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि H2 गैस बना देता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड, यानी कि हम कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपके पास क्या है, H2H+, तो 2H+ एक्वस, और ये कहां पे चले जा रहा है, प्लेटिनम H2 गैस में चले जा रहा है, यानी किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मैं एक और छोटी सी बात बताता हूं पहले, इसलिए यही पे बता देता हूं, एक पेज ऐड करके मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने E0 ऑफ सेल, कहोगे सर E0 ही क्यों निकाल रहे हो, E क्यों नहीं निकाल रहे सेल, क्योंकि हम लोग सारी बातें किस पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, इसीलिए मैं E0 ऑफ सेल की बात कर रहा हूं। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, मुझे बताइए कि अगर मेरे पास क्या होगा, E0 सेल, यानी कि E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, मैं यहां पे लिख देता हूं E0 ऑफ H2 प्लेटिनम H2 लिख देता हूं, जैसा सेल है PT H2, और ये क्या हो रहा है 2H+ एक्वस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो सर कैसे, क्योंकि हम लोग जब स्टैंडर्ड मानते हैं तो किसी को एक 0 के रेफरेंस में माना जाता है। आप लोग देखना वेट मशीन जब मेजर करते हो तो देखना शुरू में क्या लिखा हुआ रहता है, 0। अगर जब इलेक्ट्रिक वाला देखे होंगे तो उसमें 0 लिखा रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी को हम लोग क्या करते हैं, उसके रेफरेंस में मेजर करते हैं, ठीक है, ओके। उसी प्रकार से E0 ऑफ PT इक्वल टू 2H+ एक्वस, या मैं H+ लिख देता हूं, PT इक्वल टू H2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको जब भी निकालना होगा
अगर जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं ई नॉट ऑफ सेल, और आपको मैं यहां पे निकाल रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा जीरो, और यहां पे फिर अगर जब मैं निकालू ई नॉट ऑफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जब टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हो कंसंट्रेशन तीनों तरफ, तो जो सेल होगा हाइड्रोजन की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो क्या ले लेना जीरो ले लेना। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इज जीरो, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे उनकी जो वैल्यू है वो क्या ले लेना जीरो ले लेना। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बताइए? आपको सी समझ में आ गया? आपको ये डायग्राम जरूर याद रखना है कैसे वर्किंग होता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका डायग्राम बना के मैंने समझा दिया यहीं पे कि कैसे ये सारी चीजें हो रही होंगी, मैंने डायग्राम नहीं बनाया तो आपको इसी में समझा दिया है, ठीक है। आपकी बुक में भी डायग्राम अगर रेफरेंस होगा तो अलग अलग रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एट एनोड पे क्या हो रहा है, एच टू गैस टू एच प्लस लेके वो क्या बना रहा होगा टू इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो ये कहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा एच टू गैस और एच प्लस एक्वस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल पे ई एच प्लस एच टू गैस को क्या हो जाएगा वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। अगर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर प्रेशर और जो है कंसंट्रेशन सारी चीजें स्टैंडर्ड लेते हो तो जो वैल्यू हो जाएगी ई नॉट ऑफ एच टू एच प्लस एक्वल की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, यानी कि स्टैंडर्ड इसका मतलब क्या हो जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसका क्या हो जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। एसआरपी का मतलब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, ठीक है। यानी किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहां से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपको मैंने बताया कि जो वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी जस्ट यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, ई नॉट इक्वल टू मैंने जस्ट आपको बताया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, हम लोग जो इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं यानी कि जो है जीरो ले लेते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट एच प्लस और एच टू गैस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि रिडक्शन के लिए भी जीरो हो जाती है ऑक्सीडेशन के लिए। यही इसकी बहुत अच्छी खासियत है, इसको आप एनोड के रूप में भी यूज कर सकते हो और कैथोड के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू देते हैं कैसे इन्होंने बनाया है कि एच टू गैस को यहाँ से पास कराया, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड लिया है या फॉइल जिसको हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे वायर से कनेक्ट किया है। यहाँ जैसे एच टू गैस दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है एच प्लस आयन में टूट जा रहा है, ठीक है, एच प्लस आयन में टूट जा रहा है, जिस कारण से ये क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ पे एच टू किस में कन्वर्ट हो जाता है टू एच प्लस और टू इलेक्ट्रॉन में, ये कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन हाफ में। रिडक्शन हाफ में क्या हो जा रहा है कि एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके पहले एच बनता है फिर इसको हम लोग क्या करते हैं दूसरा हाइड्रोजन लेके जो है क्या बना देता है एच टू गैस बना देता है, और इसकी वैल्यू कितनी लेनी है वो जीरो ले लेनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी लेनी है जीरो, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड की जो वैल्यू होगी वो जीरो लेना। ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू पे ले लेंगे तो वो जो है जीरो नहीं होगा। क्या यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए नहीं तो मैं आगे बढ़ू। नो सर, किन्हीं को डाउट हो एक बार बता दीजिए। नो सर, चलिए मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। सी की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम लोग क्या कर सके किसी भी को मेजर कर सके उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है, और इसकी वैल्यू जो है लेना वो क्या लेना जीरो लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको जस्ट मैं थोड़ी देर में भी समझाऊंगा लास्ट में, ओके ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट दोनों स्लाइड को थोड़ी देर में आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर H2SO4 एक्वस प्लेटिनम H2O, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। अच्छा मुझे कोई बताएंगे कि नर्स्ट इक्वेशन जो था उसका फॉर्मूला क्या था? E cell is equal to E node of cell minus 0.05
अपॉन एन लॉग ऑफ टेन पी अपॉन आर. ओके वेरी गुड. लॉग पी बाय आर, ठीक है. ओके यहां तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा. अब ध्यान से सुनिएगा कि मेरे को E नॉट सेल निकालना है. E नॉट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E नॉट ऑफ एथोल माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ठीक है. ये वैल्यू होती है, ठीक है. ओके अब हमारे पास क्या हो गया कि इसकी वैल्यू हमने ले ली. आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी. तो मैं E नॉट ऑफ सेल जो है, क्योंकि आपको मैंने जस्ट बताया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है. तो हमने E नॉट सेल जो ले लिया वो कितना ले लिया, जीरो ले लिया. अब हमारे सामने आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एच टू एसओ फोर जो है वो टूटेगा किसमें, 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में. बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए. H2SO4 कितना टूट जाएगा, 2H प्लस में. अगर ये एक मोल होता तो H प्लस कितना मोल होता, 2 मोल. मैंने आपको ये मोल कॉन्सेप्ट में जिन उन्होंने मेरे से पढ़ा होगा उनको मैंने बताया था कि अगर ये एक मोल है तो ये कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, ठीक है. ये अगर जो एक मोल है तो ये कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा. अगर जैसे ये 2 मोल है तो ये कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा. अगर ये 2 मोल है तो ये कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा. यानी कि जितना ये मोल होगा उसको स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना. लेकिन एक्चुअल में आपको H2SO4 1 मोल तो दिया नहीं है, कितना दिया, 0.05 मोलारिटी दिया. इसका 2 टाइम्स यानी कि कितना हो जाएगा, 0.1. बोलिए, ये बात समझ में आई? यस सर. ठीक है. yes, sir. हाँ अब देखो आपके पास, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2H प्लस से ये सेल जो है वो कहाँ जा रहा है, प्लेटिनम H2 के पास जा रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1. सॉरी यहाँ पे 0.1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0.1, ठीक है. यानी किस प्रकार से हो जाएगा. अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लगाते हैं बड़े मजे से. ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, कितना होगा बताइए, 2 प्लस से जा रहा है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इनटू लॉग. अब देखो यहाँ पे 2H से कहाँ जा रहा है, एच टू, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1. तो प्रोडक्ट कैसा है, मैंने कहा था अगर जब वो सॉलिड हो और या फिर जो है गैस हो तो जो भी वैल्यू है उसको हम लोग ले लेते हैं. यहाँ पे प्रेशर के टर्म में 1 एटीएम होगा तो 1 ले लेंगे. प्रोडक्ट तो यही है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के टर्म में कितना है, 0.1 और इस पे पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. बोलिए क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए. नो सर. ओके ध्यान दीजिए, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग 10 बेस. यहाँ पे अगर मैंने नहीं लिखा है तो समझ लीजिएगा 10 बेस. ये 0.1 के ऊपर 10 लिख दूं तो यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा आगे. मैं ये भी कर देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज कर देता. मेरे पास क्या है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग 10 टू द पावर स्क्वायर. और आपको मैंने कहा था जितना पावर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0.59 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 और ये 2 से 2 कट गया और सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.59. बोले क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए. समझ में आया कि नहीं, कोई ये तो दिक्कत तो नहीं आ रहा ना कि सर ये कैसे कर दिए कि 0.5 से 0.1. कि नहीं, कोई डाउट पूछ लीजिए. नो सर. यानी कि बेसिकली आप ये देखिएगा कि जितना मोल, हाँ बोलिए स्वाति. नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 0.05 मोल से कितना हो जा रहा है,
0.1 मोल के करीब जो है यहाँ चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अगर जो 1 मोल होता तो कितना हो जाता, 2 मोल हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, मैंने कहा कि बिल्कुल सब चीज सिमिलर रखा, और आपको मैंने कहा कि H3PO4 से जो है H2 बनाइए। ठीक है, अब आपको पता है कि H3PO4 जो है वो टूटेगा किसमें, 3H+ और PO4-3। ठीक है, यानी कि किसमें टूटेगा, इस प्रकार अगर ये 0.033 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.99। ये कितना हो जाएगा, 0.99, अरे 0.099। बोलिए यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अगर ये 0.3 times हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मैं इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकता हूँ, 0.1 लिख दूं, अप्रोक्स 0.99 को 1 मान ही सकते हैं, यानी कि मैंने इसको कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब वही चीज फिर से फॉर्मूला लगाना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। आपको जहां भी एच टू दिख जाए ना तो आप ई नॉट सेल की वैल्यू जो है 0 ले लेना, और फिर हमारे पास क्या था, 0.059 डिवाइडेड बाय क्या था, एन लॉग बेस 10 पी बाय आर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, पी बाय आर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास देखो इसकी वैल्यू मैंने 0 ले लिया, 0.059। देखो एन की वैल्यू निकालते हैं, आपके पास रिएक्शन क्या है, 3H+ से कहां जा रहा है, H2 जा रहा है। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर साइड कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 3 into 2, और यह कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे भी देखिए अब हो गया बैलेंस। अब आपको एच प्लस का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1, और इसके हमको पता है 1 ले लेंगे। यहाँ पे इस बार चार्ज कितना है, 6 log base 10, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1, और रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 0.1 to the power 6। भले यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए। अब यहां से हमने क्या करा, 0.059 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 log base 10, और ये ऊपर में चले जाएगा 10 to the power 6, और यहां पे कितना हो गया, यानी कि 0.059। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, -0.059। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। अगर जब आपको पीएच दिया हुआ हो ना, तो कंसंट्रेशन निकालना हो तो आप सिंपली क्या करना कि 10 to the power -10 कर देना। अगर जब पीएच वैल्यू दिया, कंसंट्रेशन निकालना हो तो 10 to the power कितना कर देना, जो पावर दिया रहेगा पीएच की वैल्यू उतना जो है वहां पे कर देना। अगर जो 8 दिया रहता तो 10 to the power 8 कर देते, लेकिन हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि कि हमारा जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से H+ जो है वो कहाँ जा रहा है, H2 की ओर जा रहा है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब यहां से हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया, मैं यहां से लिख सकता हूं कि H+ से यहाँ पे क्या बन रहा है, H2, और ये कितना बन रहा है, 2H, और आपको ये कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 to the power 10, और ये कितना बन। अब वापस हम लगाते हैं, E cell equal to E not of cell minus आपके पास 0.059, और ऊपर में कितना हो जाता है, 0.1 log base 10 p/r। ठीक है, ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मैं यहां से लिख सकता हूं -0.059 / n की वैल्यू कितनी है, 2, और log 10 base p/r। तो p कितना है, आपका प्रोडक्ट 1 है, और रिएक्टेंट पे कितना है, 10 to the power -10 का होल स्क्वायर। बोले इन्हीं को कोई यहां तक दिक्कत है बताइए। नो सर,
ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10, और ये ऊपर चले जाएगा तो 10 to the power 20 हो जाएगा, क्योंकि अगर जब पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसको हमने क्या कर दिया 10 to the power 20 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 into 20, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 0.59 वोल्ट आ जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। अगर जो अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अगर जो नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कि डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। किसी भी सेल का आपको जो है निकालना हो तो हम लोग किसके रेफरेंस में निकालेंगे, सी के रेफरेंस में निकालेंगे। ठीक है, दूसरा, इट नेवर गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इलेक्ट्रोड। हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के साथ, अब ऐसे समझ लो किसी रेस में अकेला दौड़ूंगा तो मैं कितना तेज दौड़ता हूं क्या मेरे को पता लग पाएगा क्या? नहीं। मान लो कि नीट के एग्जाम में अकेले मेरे को बैठा दिया जाएगा, अब उसके अंदर तो टॉप भी मैं ही करूंगा, पीछे से भी मैं ही रहूंगा, हर जगह से तो मैं ही रहूंगा। यानी कि कभी भी किसी सिंगल का जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। नेवर गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इलेक्ट्रोड, या नेवर फाइंड, यहां पर लिख देता हूं, हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक एक का, अकेले अकेले का नहीं, हम क्या करते हैं रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। वी फाइंड रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू सी। हम सी के रेफरेंस में क्या करेंगे, उसकी रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपकी कंपैरिजन करना कि कौन कितना अच्छा है। जैसे आप लोग मान लो कि मेरे को अगर कंपैरिजन करना है कि सारे बच्चे 11th क्लास के हैं, सॉरी 12th क्लास के हैं, सॉरी मिस्टेक लिखे, सारे बच्चे 12th क्लास के हैं और मुझे पता करना है कि इसमें कौन तेज है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर्स के अनुसार से देखूंगा। यानी कि रिलेटिव वैल्यू है कि इस बार बच्चे के, सपोज करो कि इस बार बच्चे को इतना नंबर आया था और अगली बार बढ़ के आ गया, मैं कहूंगा उसका इंक्रीमेंट हुआ। अगर जो उस बच्चे को कम आ गया तो मैं कहूंगा उसका क्या हो गया, यानी कि थोड़ा सा घट गया, यानी कि डिक्रीमेंट हो गया। तो ही कहता है ये जो वैल्यू होती है ना रिलेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं इनकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, लास्ट वन, द वैल्यू ऑफ, मैंने ये बात कई बार पहले भी बता दी, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इज जीरो। हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ की जो वैल्यू लेंगे वो क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। क्या कह रहे हैं, ओके ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ की जो वैल्यू लेना है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग जो है इसकी वैल्यू को जो जीरो लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे वापस इस वाले सेल में जाता हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ, फिर इस सेल को बताऊंगा। देखिए मैं अगर ई नॉट ऑफ सेल अगर लिखूं
क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ई नॉट ऑफ कैथोड पे क्या हो रहा है कि अगर यहां पे देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है कि 2H प्लस से H2 प्लस जा रहा है, ठीक है, यानी कि 2H प्लस से क्या जा रहा है, H2 जा रहा है। दूसरा, अगर जो एनोड की वैल्यू लूंगा, मैं एनोड रिडक्शन की नहीं बात कर रहा, मैं अगर जो एनोड की बात लूंगा तो H2 और ये क्या हो जाएगा 2H प्लस। अगर जो मैं रिडक्शन की वैल्यू लूंगा तो जस्ट इसको अपोजिट कर दूंगा 2H प्लस, या मैं यहीं पे कर देता हूँ तो बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, सीधे सीधे मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ले लेता हूँ 2H प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2, और देखो दोनों सेम है, तो सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो कितनी ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। अब वापस देखिए यहाँ पे, इसको एक मैं डायग्राम समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, इस बार ना मेरे को मेजर करना है, अगर आप लोग भी चाहोगे ना कि सर मेरे को एक बार बताओ तो सर हम कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोगों को, अब मैं मेजर करना सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है हाइड्रोजन से मेजर करेंगे किसी भी सेल या दूसरे ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक बीकर ले लिया, और ये जिंक का रॉड ले लिया, यहाँ पे मैंने दूसरा बीकर ले लिया, यहाँ पे प्लेटिनम वायर ले लिया, और इसको मैंने कवर कर दिया इलेक्ट्रोड से, शीशे से, और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का जो है फॉइल ले लिया, और यहाँ पे इसको जो है मैंने पूरे को एक डब्बे में डाल दिया, इस शीशे का बना होता है, यहाँ पे एक रोल कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा कि अब मुझे मेजर करना कि किसी भी सेल का, क्योंकि आपको जेड एन की वैल्यू निकाल के दिखानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस टाइप से, क्योंकि मैं सीधे सीधे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहोगे सर आप कैसे कर दिए, इसीलिए मैं ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या करा कि जेड एन यहाँ पे मैंने रखा जेड एन एस ओ फोर, ये सोल्यूशन किसका है, जेड एन एस ओ फोर का, और ये किस चीज का रोड है, जिंक का रोड है, और ये क्या है आपको पता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो हम लोग जो है सी जिसको कहते हैं। अब देखो यहां पे हो क्या रहा होगा कि ये ऑक्सीडेशन हाफ पे क्या हो रहा है कि एच, यानी कि यहां पे जेड एन जो है वो किस में टूट रहा है, जेड एन प्लस टू और साथ में टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। दूसरी ओर देखिए रिडक्शन आप पे क्या हो रहा है, रिडक्शन आप पे क्या हो रहा होगा कि इस बार यहां से सॉल्यूशन से H प्लस निकल रहा होगा, और वो कैसे जा रहा होगा, यानी कि H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके H बन रहा होगा, फिर दूसरा H आके यहाँ पे क्या बना दे रहा होगा, H2 बना दे रहा होगा, ये रिडक्शन आपके कैथोड हो रहा है। अब हमने देखा, क्योंकि मुझे तो मेजर करना है किसी के, जैसे आपको कोई वेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं किसी रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो वही चीज हमने यहां पे भी किया कि यहां पे हमने क्या करा कि सी को रखा, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा, और जैसे हमने यहां पे क्या करा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा, यहां से क्या होगा कि ये जो हमने वायर को कनेक्ट किया, यहां देखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि सेल का नहीं, मैंने मान लिया कि इसका जो है वो क्या हो जाएगा कि 0.76 है, ठीक है, मैंने मान लिया कि सेल का जो है वो कितना है, या इस पर्टिकुलर जो है ऑक्सीडेशन हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी मान ली, मैंने 0.76 मान लिया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस
ई नॉट ऑफ एनोड, और वो वैल्यू लेनी है रिडक्शन पोटेंशियल की। मैं ई नॉट ऑफ कैथोड की जगह पे वैल्यू रखता हूं, आपके पास क्या है कि एच प्लस से ये क्या जा रहा है, ई नॉट ऑफ टू एच प्लस से एच टू जा रहा है, ठीक है, और ई नॉट ऑफ एनोड में क्या जा रहा है, ई नॉट ऑफ से कहां जा रहा है, कैसे लेट हो गए प्रवीण पीयूष, जेड एन, और यहां पे कितना हो जाएगा, जेड एन से जा रहा है जेड एन प्लस, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए, आपको मैंने बताया कि अगर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो कितनी हो जाती है, जीरो, यानी कि माइनस अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट ऑफ जेड एन, और प्लस कितना हो जाएगा, जेड एन प्लस टू, और अगर से मैं रिडक्शन पोटेंशियल की लिखा क्योंकि माइनस मैंने चेंज कर दिया है, यहां से मैंने कितना लिख लिया, जेड एन प्लस टू से जो है जेड एन चले गया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो आपको मैंने कहा था कि ई नॉट से यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ की वैल्यू कितनी ली थी, 0.76, तो इसी कारण से देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0.76। वापस अब आपको ये वाला डायग्राम समझाता हूं, दोनों पॉइंट यहां पे देखो, सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि H प्लस H2, यानी कि कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पे इन्होंने कौन सी वैल्यू दिए, जेड एन प्लस टू वाली दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहा कि E सेल जो है 0.76 वोल्ट होता है एट 298 केल्विन, यानी कि E नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू से जेड एन कितना हो जाएगा, 0.76, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन प्लस टू की कितनी हो जाएगी, यानी कि 0.76 हो जाएगा। ये वैल्यू यानी कि डिपेंड करता है कि आपने कैसा लिया, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है कि जब ये आपके पास क्या है कि आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि E इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, अब देखो जब हाइड्रोजन होगा ना तो हमेशा उस पर चार्ज कितना आएगा, टू आएगा। वैसे जब भी हाइड्रोजन की बात करेंगे हम, आप अगर ही की बात कर रहे हैं कि जब क्या होगा कि आपके पास प्रेशर जो है 1 atm नहीं हो, टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं हो और कंसंट्रेशन 1 नहीं हो, तो कैसे फॉर्मूला लगाना है, तो आपको याद रखना है तब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये log 10 बेस क्या हो जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ pH। जब भी इस टाइप का आपके पास क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो ये, लेकिन कब लगाना ही का, जब आपके पास प्रेशर 1 atm नहीं हो, टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं हो और उसके बाद कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं हो, तब आप जो है इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।